स्वेच्छा स्वागत करती हूं आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी ने अपनी पार्टी के उद्देश्यों के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया। पत्रकारों से वार्ता के दौरान हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण तिवारी ने बताया कि बीजेपी सरकार में हिंदू समाज को दबाया जा रहा है। वर्तमान सरकार दिखा कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। बीजेपी ने हिंदू समाज के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब हिंदू समाज पार्टी आने वाले 2022 के चुनाव में पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि देश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी से आज हिंदू समाज त्रस्त हो चुका है और अब हमारी पार्टी इस अत्याचार को खत्म करेगी और हिंदुओं को उनका सही स्थान दिलवाएगी। किरण तिवारी ने बताया कि हमारी पार्टी से जितने भी विधायक जीतेंगे वह किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि उसी को सहयोग करेंगे जो पार्टी हिंदू हित में काम करेगी। आइए देखते हैं कि किरण तिवारी ने क्या कहा। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें रणनीति बनेगी, उस पर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इसकी मुख्य उद्देश्य यही है। और आज एक उद्देश्य और था कि नया प्रदेश अध्यक्ष चयन करना था, तो चंद्रकांत शर्मा जी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मोदी जी ने बहुत बड़े वादे किए थे, करोड़ों हिंदुओं की जो है नौकरियाँ दिलाएंगे, काला धन लेके आएंगे, तो ये तो कुछ आया नहीं। हिंदू जो बेरोजगार है अभी भी, और गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आए दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो हम अपने जो भी हमारे गरीब हिंदू भाई हैं जो उनके लिए कार्य करेगी, और जो इन्होंने वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, और हम लोग वादे नहीं करते हैं, लेकिन काम निरंतर उसी के लिए। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर।